But he's saying, yeah, just go up there. Kiya, isko kyun nahi third umpire ke paas leke gaye Waqar? Normally, you know, ये जो आखिरी रिप्ले आपने देखा है, नॉर्मली क्या होता है कि जब जब लेग अंपायर का काम क्या होता है कि जू ही बॉल वेस्ट हाइट से ऊपर जाती है बिकॉज ही इज लुकिंग एट द बैट्समैन, सो ही इज लुकिंग एट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉल ऑल्सो, सो इफ ही सीज द बॉल गोइंग ओवर द टॉप ऑफ हिज हेड ऑल्सो, तो वो आपको वो वाइड बॉल भी वही देता है और वो उस फ्रंट पे जो अंपायर होता है उसको बताता है. और इसमें भी यही होता है कि जब आप बेस हाइट से गेंद ऊपर होता है तो ये फौरी तौर पे जो ही उसको नजर आता है, इस फर्स्ट रिएक्शन इज दिस हैंड कम्स आउट. यस, ओके, दिस हैंड कम्स आउट, क्योंकि इतने इतने शोर में यू नो आवाज तो नहीं आ सकती कि नो बॉल. सो व्हाट ही डज इज टेक्स हिज हैंड आउट फर्स्ट थिंग. ये नहीं है कि दोनों ने बात कर ली और अच्छी बात की है, लेकिन विराट कोहली कभी T20 का बेहतरीन प्लेयर नहीं रहा. एवरेज अच्छा है, स्ट्राइक रेट हम आपको मुआवजा करते हैं, स्मिथ के साथ करते हैं, विलियमसन करते हैं, बाप. तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हैं यार कैसा मैच था. शायद मेरे हिसाब से तो मेरे जो जब से मैंने क्रिकेट मैच देखना शुरू किया है, 2011 का वर्ल्ड कप भी था, फाइनल की बात कर रहा हूँ, उससे भी मुझे ज़्यादा मजा आया इस मैच में. तो आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ वीडियो के लास्ट में मैं इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करूँगा. आप कमेंट में अपने सुझाव दीजिए और इस मैच के बारे में बताइए. इतना अच्छा मैच होता है, अगर इंडिया 15 ओवर में जीत जाता, आसानी से जीत जाता, तो मज़ा नहीं आता. 3 ओवर में 50 रन चाहिए और उसके बाद जो ड्रामा होता है, लास्ट ओवर में 16 चाहिए, नो बॉल हो रही है, 3-8 हो रही है, वाइड बॉल हो रही है, लास्ट में 2-2 चाहिए, कार्तिक आउट हो रहा है. क्या मैच है यार, क्या मैच. पहले वीडियो देखते हैं पाकिस्तान का, फिर लास्ट में बात करते हैं. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें. नो बॉल और अ पोटेंशियल नो बॉल और अ कॉल दैट वाज मेड बाय एम्पायर रेस्मस. ये बॉल था, जब बॉल हुई तो उस वक्त छक्का मारा था कोहली ने उसके ऊपर फुल टॉस पे, और फौरन मुड़ के उन्होंने नो बॉल को किया था. इंटरेस्टिंगली लुक, ही इज डिमांडिंग फॉर अ नो बॉल, देयर वाज नो एट दिस पॉइंट नो बॉल. ये कोई भी बैट्समैन होता वो जरूर कहता है ये अंपायर को, दैट्स नॉट हिज फॉल्ट. राइट राइट, नो नो, देयर्स नथिंग, देयर्स नो फॉल्ट ऑन दैट. बट लोग जिस बात का शिकायत कर रहे हैं कि इट वाज अ वेरी क्लोज कॉल एंड एरिस्मस गेव दैट वन वेरी लेट. सच अ बिग गेम, यू हैव अ टेक्नोलॉजी, लुक एट दैट, या गो यूज टेक्नोलॉजी. देयर यू गो, व्हाई रिस्किंग इट अननेसेसरीली, दैट व्हाई फ्लेयर अप थिंग्स अननेसेसरीली, एंड दीस टू आर द मोस्ट एक्सपीरियंस अंपायर्स. बाबर आजम देयर एक्चुअली, नाउ इट्स टू लेट, शादाब एंड बाबर आजम गोइंग, सेंड ही वाज सेंट टू द लेग एंड देन एरिस्मस सेड देख बाबर मेरी बात सुन, अब हो गया जो होना था, चल छोड़ ना आगे चलते हैं. एरिस्मस कह रहे हैं मैंने नहीं उस अंपायर ने कहा, एक मिनट से पाई जा रहे हैं. सो हे Wasim, you bring a brilliant point to the table, and I think we should leave this open for discussion for a moment for everybody. Waqar, I would love your input on this. Miss Pound, your this is a touch and go. देखो यहाँ से मुझे लग रहा है कि वो dip कर रहा है ball. जी. So maybe उन्होंने वो लिया यहाँ से, उन्होंने pick किया है. अब it's kind of touch and go. Naked eye से लगता है नहीं है, but slow motion में देखो लगता है कि था. So the thing, like I said, कि if there is a technology. Use it. That's what everybody's saying. Yeah, just go up there. इसको क्यों नहीं third umpire के पास लेके गए वकार? Normally, you know, ये जो आखिरी replay आपने देखा है, normally क्या होता है कि जब leg umpire का काम क्या होता है कि जो ही ball waist height से ऊपर जाती है because he's looking at the batsman, so he's looking at the trajectory of the ball also. So if he sees the ball going over the top of his head also, तो वो आपको वो wide ball भी वही देता है और वो उस front पे जो umpire होता है उसको बताता है. और इसमें भी यही होता है कि जब आप बेस हाइट से गेंद ऊपर होता है तो ये फौरी तौर पे जो ही उसको नजर आता है, इस फर्स्ट रिएक्शन इज दिस हैंड कम्स आउट. यस, ओके, दिस हैंड कम्स आउट, क्योंकि इतने इतने शोर में यू नो आवाज तो नहीं आ सकती कि नो बॉल. सो व्हाट ही डज इज टेक्स हिज हैंड आउट फर्स्ट थिंग, दैट्स देयर नेचुरल रिएक्शन. And they're very, 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 very experienced umpires, no? Very good umpires. Yeah. Normally ye hota hai. But if you look at it in the last replay, he just turned around and he looked at the ball or chakka ho gaya, jo bhi hua, and then it was called because then Virat Kohli asking for it, and then he just watched that very, very closely. See, the ball is dipping. Arms should have come out right now. Nothing moved.
Nothing. So that means he will turn around. In fact, look. He didn't look. Okay. ये देखें ball dip करे नीचे ना और थोड़ा सा पीछे चलाएं इसको पीछे चलाएं यहाँ रुके ये एक एक layer you go. Yeah, the ball is coming. I mean it's dipping down and below waist height. I'm not saying and I don't want to say it that it's a no ball or not a no ball. I don't want to get into this controversy. Yeah. Because normally, yes, I can say that the umpire should have. बाजू निकलना चाहिए था फौरी तौर पे ऊपर बिकॉज ही सॉ समथिंग एंड ही जस्ट रियलाइज्ड दैट इट्स अ नो बॉल इफ ही रियलाइज्ड इट देन इट शुड हैव बीन कॉल्ड देयर एंड देन अगर वो नहीं हुआ है उसके बाद एंड देन ओके आई स्टिल फील के ये विराट कोहली का ये राइट है टू आस्क फॉर अ नो बॉल एंड ही डिड एंड देन द अंपायर द लेग अंपायर शुड हैव कंसल्टेड विद द फ्रंट ऑन अंपायर एंड दे शुड हैव गॉन अपस्टेयर्स to then allow the third umpire and that is the reason why he's sitting there usko phir decision karne dete wo usko no deta na no deta chakka deta jo bhi deta I think it should have been left to him Wasim Ahmed, you commentate around the world you've commentated in all these Aussie grounds in World Cups so forth and so on there was another interesting thing and people are pointing that out that the entire incident was then downplayed by the commentators they didn't want to talk about it they wanted to move on to the match and saying oh the six is there and you know this is a no ball and we're going for a free hit because we weren't there yeah me and Makar would have spoken our mind there and then and I suppose any Pakistani Bazid is there probably he wasn't on air then but I'm with Devkar and there's another big issue people are discussing when Nawaz ne usko bold kiya aur phir wo teen bhage एक रैंडम सी चीज आ रही है किसी ने कि मैं पांच साल पहले का शायद वो लॉ लगा दी पीपल थिंकिंग के बॉल स्टंप्स को लग जाए डेड बॉल हो जाता है लेट मी रीड यू अब पढ़ के सुनाता हूँ ये ग्रेट डॉक ने ट्वीट किया था डॉक्टर नुमान ने इफ अ बैट्समैन इज कॉट ऑन फ्री हिट ही कैन रन एंड द स्कोर विल बी एडेड टू हिज टोटल एंड इफ ही इज बोल्ड विद एन एज देन ही कैन टेक रन्स विच विल बी एडेड टू हिज टोटल एज वेल बट If he gets out bowled without an edge, he can run, but the runs will go to into extra. So hence, umpire ne wo bias diye. So ye hai naya law. Ye naya law hai. Acha, is jagah par, of course, ek to ye clear ho gaya ke kanoon kya hai. Ashwin, would you like to add something to that no ball call and what Waqar and Wasim have already said? What Wasim bhai and Waqar bhai said, I am completely agreeing. Kyunki jab aap ek option hai. पहले जो रूल्स थे उसमें ये था कि जो ऑन फील्ड अंपायर्स हैं वो ही उस वक्त जो है कॉल कर सकते हैं बट जो जैसे वकार भाई ने कहा कि उनका हाथ नहीं निकला जब वो कनेक्शन हुआ बॉल और बैट का तब एटलीस्ट कुछ थोड़ा सा सिग्नल देना चाहिए था कि ये है एग्जैक्टली तो जब आपके पास ऑप्शन है तो आपको जरूर थर्ड अंपायर से और स्पेशली इतना बड़ा मैच हो यही बात है असल इतना में बड़ा मैच हो तो आपको क्रंच मोमेंट में जो डिसाइड कर रहा है मोर ऑर लेस के क्या होने जा रहा है उसमें आई गेस बिल्कुल फेयर जो है हम ये नहीं कह रहे कि गलत हुआ या उनसे गलती हुई किसी से भी गलती हो सकती है किसी से भी लेकिन थर्ड अंपायर से उनको जरूर कंसर्न ये शेयर करना चाहिए था कंसल्ट करना चाहिए था और उसके बाद जो थर्ड अंपायर देखता स्क्रीन पे जो कि हम लोगों ने देखा है एज अ स्पेक्टेटर तो फिर उसके बाद डिसीजन लेते तो उससे अच्छा ऑथेंटिकेट हो जाता तो दोस्तों आपने पाकिस्तानी मीडिया को सुना अब बेचारे वो लोग क्या कहें यार उनकी भी हालत आप समझ सकते हो उनकी जगह आप होते तीन ओवर में 50 चाहिए आप तो मैच जीता जिताया हार गए हो यार पाकिस्तान तो जीता जिताया मैच हारा है जिस सिचुएशन से इंडिया मैच जीता है सीरियसली मतलब कोई वर्ड नहीं है यार कोई वर्ड ही नहीं है इतना अच्छा मैच यार इतना अच्छा मैच मैं कह रहा हूँ ना आप कमेंट में बताएं कि ये शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा मैच हो मतलब अगर इंडिया ऑर्डनरी तरीके से जीत जाता ऑर्डनरी मतलब 15 ओवर या 16-17 ओवर मैच फिनिश कर देता ऊपर से 6 ओवर में 50 विराट कह रहा हूँ रोहित और केएल राहुल मार देते तो ख़त्म हो जाता मैं जब विराट कोहली आए उसके पहले इंडिया के तीन विकेट गिर चुके थे तो मैंने कहा यार ये रोहित शर्मा केएल राहुल ये फ्रॉड है यार ये बड़े मैच के प्लेयर नहीं है सूर्य कुमार यादव भी मतलब बड़े प्रेशर वाले मैच में नहीं चल रहा है विराट कोहली है 50 रन प्लस मार दे तो शायद ये मैच इंडिया जीत सकता है हार्दिक पांड्या सपोर्ट देते हार्दिक पांड्या ने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरीके से इनिंग खेली थी वैसा कुछ कर दे तो मैच जीत जाएंगे वो कह रहे हैं हम नहीं जीत रहे हैं इस तरीके की बातें करी हम लोग ने और बस मैंने साउंड बंद किया और टीवी देख रहा था मोबाइल चला रहा था फिर एक ओवर में हार्दिक पांड्या ने दो छक्के विराट कोहली ने एक छक्के मारे वहाँ से मैंने साउंड टीवी का ऑन किया और बस
वहीं से जो एक्साइटमेंट आया, फिर भी उसके बाद हारिस राउफ ने एक ओवर 4 रन का मार मतलब डाल दिया और रन नहीं बन रहे थे, बहुत मुश्किल से बन रहे थे। और आकाश चोपड़ा बोल रहे हैं आखिरी ओवर में आप क्या 20 रन छोड़ेंगे, उसके बाद गौतम गंभीर बोलते हैं उससे पहले आपको 15-15 रन बनाने पड़ेंगे। और वैसा ही कुछ सीन होता गया, 15+ रन बने, लास्ट ओवर में बचे 16 रन, 16 रन बचे, हार्दिक पांड्या पहली बॉल पर आउट हो जाते हैं, आते हैं डीके, डीके देते हैं सिंगल, अब चाहिए है 4 बॉल पे 15 रन। अब आता है क्या, विराट कोहली को फेंकी जाती है एक नो बॉल और विराट कोहली उसमें मारते हैं छक्का, तो हो जाते हैं 7 रन। उसके बाद फेंकी जाती है एक वाइड बॉल, फिर आप देख रहे हो मैच, उसके बाद विराट कोहली फ्री हिट पर आउट होते हैं, 3 रन लिया जाता है। सोचो आप, एक एक बॉल रट गई है, आपको भी रटी होगी, 3 बॉल, फिर कार्तिक आते हैं 2 बॉल पे चाहिए रहते हैं 2 रन, कार्तिक हो जाते हैं आउट, अश्विन आते हैं, अश्विन 1 बॉल पे 2 रन। अब क्या टाई होगा या तो फिर सुपर ओवर या तो फिर इंडिया जीतेगा, वाइड चली जाती है, फिर हो जाता है मैच स्कोर लेवल। उसके बाद अश्विन आराम से एक चौका मारते हैं और इंडिया मैच जीत जाता है। यार क्या मैच यार, सीरियसली क्या मैच। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो